नमस्ते, मैं हूं पाल रोहतगी। जी हाँ, मेरा ये वीडियो है सोनी राजदान के लिए। सोनी राजदान जो ऑब्वियसली विक्टिम कार्ड खेल रही है नेपोटिज्म की डिबेट को शांत करने के लिए, उसको मैं ये कहना चाहती हूँ जो कह रही है कि एक अभिनेता का बेटा अगर अभिनेता बनना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है, क्योंकि वो भी करण जौहर की तरह समझती है कि एक्टिंग खून में होता है। तो मैं सिर्फ यही सवाल इनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर एक्टिंग खून में होता है तो आतंक भी खून में होना चाहिए, क्योंकि एक आतंकवादी का बेटा आतंकवादी नहीं बनेगा, ये आप लोग कहते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि आतंकवाद खून में नहीं होता। तो अगर आतंकवाद खून में नहीं होता तो फिर एक्टिंग खून में कैसे हुई, क्योंकि एक तरफ आप एक आतंकवादी के बेटे को बचाते हैं ये कह के कि वो आतंकवादी आगे जाके नहीं बनेगा, मगर दूसरी ओर आप एक अभिनेता के बेटे को बोलते हैं कि वो अभिनेता बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्टिंग उसके खून में है। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि खून में आतंकवाद है या एक्टिंग है, कि खून में क्या क्या है और खून में क्या क्या नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। नमस्ते।